सकता आपको तब दिखा दे, तब तक हम करेंगे इंतजार। अभी माल फिनिश करके कुछ इस तरह से दिख रहा है, टेक लग चुका है अभी। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं टेबल टॉप बेसिन, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम खर्चे में। अगर आपको लगता है टेबल टॉप बेसिन में बहुत ज्यादा खर्चा आता है तो बिल्कुल नहीं, आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बनाया बेसिन, जो कि देख सकते हो इसकी लंबाई अभी 5 फीट है बेसिन की, और ऐसी चौड़ाई की बात करते हैं तो ये हमने 19 इंच लिया है, 1 इंच दीवार में जाएगा, 18 इंच बाहर बाहर बचेगा। उसके बाद इसमें आपको वॉल टाइल्स वगैरह लगाने की ज्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है लाइट के लिए, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है 3 इंच का, जो भी स्कर्टिंग अपना बचा होता है फ्लोरिंग टाइल्स का उसका हम लगाएंगे स्कर्टिंग, ये वाला देख सकते हो ऐसे लगाएंगे स्कर्टिंग। और यहाँ पर हमारा बचा हुआ इस, ये देख सकते हो ब्लैक पट्टी, आपको लगेगा ये ब्लैक पट्टी तो कहाँ से लाएंगे, ये ब्लैक पट्टी यहाँ पर लगा हुआ है उसी का वेस्टेज वाला पार्ट है, दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर स्कर्टिंग लगा हुआ है ब्लैक वाला, तो ये 4 इंच का स्कर्टिंग था, 1 इंच का ऊपर से बचा हुआ वेस्टेज वही वाला पट्टी है। तो चलिए वही पट्टी हम उधर लगाएंगे और दिखाएंगे आपको कि कितना मस्त डिजाइन दिख रहा है लगने के बाद। ये देख सकते हो जब इस तरह से लग जाएगा ये वाला, ये देख सकते हो अभी से देख सकते हो जब इस तरह से लग जाएगा, वो भी ऐसे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम इसको यल कातरा करके लेने वाले हैं, फिर लगने के बाद कितना अच्छा दिखेगा। तो चलिए पूरा लगा लेते हैं और लगाते वक्त का भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, इसमें माल भर लेते हैं जो बेसिन ने बनाया, तो माल के बाद में दोस्तों देख सकते हो इस तरह से हमने माल भर लिया और यहाँ पर पहला स्कर्टिंग जो भी हम लगाना चालू कर दिए, जो कि देख सकते हो इस तरह से आपको क्या करना है, गुनिया लेके उसी तरह से लगाना है, बिना गुनिया के नहीं लगाना है। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, जिस तरह से हम लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से देख सकते हो हमने यहाँ पर 1 इंच का जगह छोड़ दिया, जितने अपने काली पट्टी आने वाली है उतना जगह छोड़ दिया है, बाकी का इसी तरह से लगा रहे हैं, जो कि इस तरह से देख सकते हो। पहले यहाँ पर एडिसिव लगाएंगे, एडिसिव लगा के वहाँ पर चिपकाएंगे, इस तरह से क्या करते हैं चिपका देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे किस तरह से होता है पूरा फाइनल होने के बाद। इसको भी यहाँ पर ठोक देंगे। तो चलिए अभी लग गया है, अभी ऊपर की पट्टी लगा के आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो पूरा हमने व्हाइट वाला लगा लिया है कुछ इस तरह से, अभी लगाने का ब्लैक वाली पट्टी, तो चलिए ब्लैक वाली पट्टी लगा के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी पूरा फिट हो चुका है, चलिए इसका कर देते हैं साफ सफाई, उसके बाद में इसको पॉलिश करेंगे, पॉलिश करने के बाद इससे बेसिन बिठाएंगे, फिर बिठाने के बाद कैसा दिखा आपको तब दिखाते हैं, तब तक हम करेंगे इंतजार। कौन रोके रहा था, कौन भरा था, अभी माल फिनिश करके कुछ इस तरह से दिख रहा है।
ये देख सकते हो माल हमने फिनिश कर दिया, नीचे से व्हाइट लग चुका है, ऊपर से बॉर्डर में ब्लैक लग चुका है, नीचे से ग्रेनाइट का ब्लैक लग चुका है। अभी बारी है इसकी वॉल पुट्टी है और इस पे कांच लगाने की, आरसा लगाने की, और इस पे थोड़ा वॉलपेपर देखते हैं, अगर आ गया तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या वर्क होता है इसके बाद, जब इसका बेसिन बिट जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे ये कैसा दिख रहा है।